नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, आपका बहुत विशाल एक राजनीतिक अनुभव है। पिछले जो चुनाव हुए हैं, चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आप जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उसको किस तरह से आगे की भावी राजनीति को देश की देखते हैं आप? ऐसा है ना, मैं जहाँ तक उत्तर प्रदेश का विशेष सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ जो चुनाव के नतीजे होते हैं उसकी चर्चा देश भर होती रहती है, और फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, केंद्र में सरकार किसकी बने हुई, ये भी उत्तर प्रदेश पर काफ़ी मात्रा में निर्भर रहता है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये इस दृष्टि से एक इतिहास भी बन गया। अब ये चर्चा में सब लोगों को आ गया, लेकिन एक दृष्टि से शायद विचार यहाँ पर नहीं हुआ, वो मैं मानता हूँ कि बताना चाहिए। और वो मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में अखबारों के, लिखने वालों के, बोलने वालों के जो भी विचार चल रहे हैं, वो अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल जाति के आधार पर है, ऐसे बात को लेकर चलते। तो मेरा ये मानना था, और मैंने ये बात, मैं यहाँ 3 जनवरी को जब आया था मेरा एक किताब का विमोचन करने के, तब कही थी। हमारे इंटरव्यू में भी आपने कहा था सर। और उसका मेरा मुद्दा ये है कि देखिए, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब तो उत्तर प्रदेश को भी भारी बहुमत यहाँ से मिला था, तो कहाँ गया वो जाति का मामला? वह हो गया समझो तो 2017 में विधानसभा का चुनाव हो गया, वहाँ भी उससे अधिक अच्छी जीत मिली। अब ये ठीक है कि उम्मीदवार तय करते समय किसके आबादी कहाँ है वो देखकर लोग उम्मीदवार तय करें, लेकिन जो मतदाता है वो मतदाता में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जितना विश्लेषण होना चाहिए उतना नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो 2017 की बात हो गई, 2017 के बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव आ गया, उसमें भी फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इतना ही नहीं तो चुनाव के पहले 6 महीना जिला पंचायत का चुनाव हो गया, उसमें भी 75 में से 68 अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बने। तो अब ग्राम पंचायत के स्तर के भी जो बातें हैं वहाँ भी पहले जैसे जाति का नहीं चलता है, और ये बड़ा मौलिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होना है, हो गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात तो ये है कि जो काम जिस प्रकार से योगी जी ने किया, उत्तर प्रदेश में कौन सी कमी है, तो मैं भी जब आया तो आप लोगों को याद हो या न हो, तो यहाँ उस समय पर बिजली का एक नया ऑफिस इलेक्ट्रिक एसोसिएशन का खोलना था, और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। तो मैंने उसमें कहा था कि भाई जब तक प्रदेश में 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तब तक कोई भी उद्योगपति नहीं आएगा, अभी धंधा कर उद्योग करना है तो। और इसलिए यह जो विकास हुआ, यानी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई, वो केवल समिट के बात नहीं है, उसमें से जो उद्योग आए उसका काम शुरू हुआ, यह एक बार हो गया। और दूसरी जो बात उत्तर प्रदेश में काफ़ी अभी समाप्त होने के स्तर पर आई है, वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था। आप जब यहाँ पे गवर्नर थे आप बहुत एक्टिव रहते थे हमेशा, सब लोग जानते हैं, आपके भी तमाम सुझाव थे जो योगी जी ने कई बार तमाम आपके सुझाव माने, आपको कुछ उसमें से याद पड़ रहा हो तो अगर आप बता सकें? देखिए, याद तो बहुत है क्योंकि, लेकिन उनका और मेरा संबंध कही है या सोच कही है एक तरीका होने के कारण, एक उसका उदाहरण बड़ा कुंभ मेला हो गया जी। अब कुंभ मेला में बहुत लोग आएंगे, उसकी सारी व्यवस्था अच्छी होगी, ये सब
सबको मालूम है, दुनिया के लोगों ने भी उसकी बड़ी स्तुति की। तो कुंभ मेला के लिए प्रदेश स्तर की एक कमेटी बनाई गई, उसका मैं अध्यक्ष था और योगी जी कार्याध्यक्ष थे। तो पहले ही मीटिंग में मैंने उनको, मीटिंग के पहले भी कौन कौन सा एजेंडा, क्योंकि वैसे नाम मात्र ही रहते हैं राज्यपाल, सारा कार्याध्यक्ष ही काम करते हैं सरकारी यंत्रणा में भी। तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि देखिए मैं मेरा सुझाव देता हूँ। और फिर मैंने उनको ये कहा कि देखिए मैंने क्या पाया, ऐसा जब कोई मुझे पूछता है तो मैं कहता हूँ मैं मेरे शहर का नाम बम्बई, बॉम्बे लोग बोलते थे, मैंने मुंबई करवाया, इस प्रकार के कई। तो अब इलाहाबाद का प्रयागराज करने का इससे कौन सा अच्छा दूसरा समय होता है, एकदम उनको मंजूर हो गया। और पहले ही मीटिंग में तो बोले मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं अध्यक्ष के नाते प्रस्ताव रखूँगा। और मैंने प्रस्ताव रखा, प्रयागराज हो गया। अब कितने समय से लोग मांग ये कर रहे थे कि इलाहाबाद का नाम, और वास्तव में सांस्कृतिक नाम कितनी पुरानी अपनी पद्धति, जीवन पद्धति है, और प्रयागराज प्रयागराज में दिखाई नहीं देता था जी। अभी आपने बात की पिछले जो चुनाव की, किस तरह से लोग मैच्योर हो रहे हैं, हम इसी को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। 2007 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो जैसे लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ, लोगों की जो डिसीजन है, लोगों की सरकारों की चुनने की जो क्षमता है या एक निर्णय है, बिल्कुल क्लियर रहा है। 2007 में बहुमत की सरकार आई, 12 में, फिर 17 में, आप 19 में देखें और ये 22, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको देखने का एक सोचने का, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई यह एक हिस्सा है, कौन कौन हार गए उनका भी विचार करिए। और यह दिखाई देता है कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, बहुजन समाज पार्टी बुरी तरह से हार, मतलब विपक्ष भी बहुत कमजोर हुआ। और गए समय के तुलना में समाजवादी पार्टी का संख्या बढ़ी। तो मैं तो मानता हूँ कि आज के देश के राजनीति के लिए ये एक अच्छा अवसर है कि विपक्ष के पास भी विरोधक एक पार्टी के हैं। एक दो पार्टी सिस्टम देश में लागू हो सकती है, उसका उदाहरण भी शायद यहाँ से दे सकते हैं। योगी जी कैसा काम करेंगे अभी, वो तो लोगों को सामने आएगा, 5 साल कैसे काम किया वो आएगा। लेकिन विपक्ष भी जिम्मेदारी से काम करे, और बाकी के जो थे वो अपने नाम के लिए रह गए, इस प्रकार का परिवर्तन है। ये बड़ा मौलिक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम और मजबूत करने के लिए उपयोगी होगा। और उसमें एक अंग्रेजी में बहुत, ये सब देखने के बाद जो मुझे लगता है, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा कोटेशन है, ये जो रोज वेल में आते हैं, गड़बड़ करते हैं वगैरह, जो आजकल लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यों के विधानसभा में भी, मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मुंबई में भी यही दिखाई देता है। तो उसमें एक कहते हैं कि भाई अपोजिशन, तो अपोजिशन शुड हैव इट्स से, अपोजिशन को जो कहना है वो कहने के लिए मौका मिलना चाहिए जी। और उसका दूसरा पार्ट ये है, गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे, सरकार जो करना चाहती है उस माध्यम से, संसदीय माध्यम से करने का लोगों ने अधिकार दिया है। सो ऑपोजिशन शुड हैव इट्स वे, कहना जो है कहिए ना, बाहर क्यों कहते, वहीं चर्चा करिए। तो चर्चा, विचार, विनिमय, संवाद, यह लोकतंत्र का एक मूल पद्धति है, वह भी यहाँ मजबूत होगी ऐसा मैं लगता है। और इसलिए जब ये निर्णय आया तो जैसे मैंने योगी जी को अभिनंदन का पत्र भेजा, और मैंने अखिलेश जी को भी पत्र भेजा, और उनको भी कहा मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप विपक्ष में आ रहे हैं तो ताकत के साथ आ रहे हैं, और इसमें से अपने जो दो पार्टियों की डेमोक्रेसी अधिक अच्छी चलेगी ऐसा मुझे लगता है। एक बात ये महत्व की है ऐसा मुझे लगता है।
जी, आप चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, महाराष्ट्र में राजभवन से या जो वहाँ के गवर्नर रहे, कुछ दिनों पहले शिवाजी को लेकर कोई बयान का आया था, वो क्या है, उसके विषय में आप कुछ बताएंगे? ऐसा है ना कि उसमें मुद्दा तो कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा करना, यह उसका मूल रूप है। वहाँ माननीय राज्यपाल अभी इस समय पर उत्तरांचल के कोश्यारी जी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छा इतिहास का, अंग्रेजी का ज्ञान उनको है। एक जगह पर गए और उन्होंने भाषण में ये कहा कि शिवाजी के समर्थ रामदास गुरु थे, इस प्रकार की बात अब तक चल रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि बात सही नहीं है, एक महाराष्ट्र में इसका विवाद हो गया था। तो उनको ये, तो उन्होंने कहा कि भाई रामदास नहीं होते तो शिवाजी कहाँ से पैदा होता, इस प्रकार का एक रामदास को भी उन्होंने ऊपर उठाया, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी ऊपर उठाया। आजकल ऐसा हुआ है कि कोई आदर से शिवाजी कहता है खाली, तो भी बाहर के लोगों को तो इतना मालूम नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा ही कहना चाहिए, ये बात वैसे सही है, लेकिन बोलते समय तो शिवाजी होता है, संभाजी होता है ये बात। तो ये इसमें से कोश्यारी जी पर ये कर दिया, तो विधानसभा में सब। तो मैंने फिर कहा कि शरद पवार जी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है और महाराष्ट्र के राजनीति में वो स्वयं विधानसभा में न होते हुए लेकिन राजनीति चलाते हैं, इन्हें वे तीनों को एक, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना इकट्ठा लाने का प्रयास उनका ही मुख्यतः रहा। अभी उनको महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने उनका कद बढ़ाने के लिए जानता राजा कहा। अब मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज को ही जानता राजा कहा जाता है। अब कोई उठकर ये कहे कि ये शरद पवार जी को जानता राजा कहते हैं और उसके कारण शिवाजी का अपमान हो गया, तो ये जितनी मूर्खता की बात होगी तो वैसे ये है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा, संवाद ये छोड़कर विसंवाद ही ज़्यादा करने में विपक्ष कोशिश करता रहता है लोकसभा राज्यसभा में, और महाराष्ट्र में सरकारी इस प्रकार की बात कर रही है। जी, अब आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, महाराष्ट्र से कोशिशें शुरू हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले, प्रयास हो रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए कोई मोर्चा बनाया जाए, चूंकि कांग्रेस कमजोर है तो बीजेपी से मुकाबले के लिए कोई और मोर्चा बने, आप देखते हैं ये सफल हो पाएगा? ऐसा है कि मुझे वो हिंदी शब्द बराबर नहीं आ रहे, मराठी में हम उसको मुर्गजल कहते हैं, धूप में ऐसे जाते हैं मैदान में तो पानी है ऐसा लगता रहता है, क्या कहते हैं उसको, मृग मरीचिका यहाँ पे कहते हैं। हाँ, तो वो वैसा है, यानी अब इकट्ठा आना ही संभव नहीं है, छोटे गोवा प्रदेश में वो इकट्ठा नहीं आ पाए जहाँ 40 विधानसभाएं हैं और तुलना में शिवसेना वहाँ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वहाँ है, वहाँ उनका समझौता नहीं हो गया, तो ये आसान नहीं है। देश भर के व्यक्तित्व इस प्रकार के उभर कर आने के लिए जो व्यक्तित्व की क्षमता लगती है वह होनी चाहिए, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को लगता है वही सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो किस प्रकार से देश को दिशा दे सकता है, और इसलिए ऐसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। आप कल्पना करिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर भी कई बातों कहते हैं, मैं उसके बाद में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 पार्टी की मिलीजुली सरकार चलाई, इसमें से इसी प्रकार के लोग थे, लेकिन उन्होंने चलाई, और चलाने के लिए जो मानसिकता लगती है कि भाई सबको साथ में लेकर चलो, यह करें, ऐसा आज कांग्रेस में, कांग्रेस खुद की पार्टी बराबर नहीं चल रहा, भाई चुनाव में जीतना हारना एक बात है लेकिन खुद की पार्टी नहीं चला सकती है, और फिर व्यक्तित्व है कौन सा कि जो सबको समझ
होगा, ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बात की। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।